दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, आप सभी का स्वागत करता हूं पिक्सेल स्नैपशॉट के फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों, इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एयर ड्रॉप्स के बारे में। यहां पे मैं एयर ड्रॉप्स की वीडियोस नहीं बताने वाला हूं कि एयर ड्रॉप कैसे माइन करें। जो एयर ड्रॉप्स करने के बाद हम लोग जिस भी एयर ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं उसके बाद हम लोगों को कुछ कॉइन्स, कुछ टोकन्स यहाँ पे मिलते हैं। तो वो टोकन्स कहाँ जाते हैं, किस तरीके से हम उनको विड्रॉल कर सकते हैं और ये जितनी भी प्रोसेस है इसको इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट एयर ड्रॉप्स आपके साथ यहाँ पे अनाउंस करने वाला हूँ और उसमें गेमिंग एयर ड्रॉप भी है जो आप शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो चलिए तो चलते हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें। तो दोस्तों, हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ पे हम चलते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मैंने बहुत टाइम पहले यहाँ पे एक प्री सर्च करके ये जो है सर्च इंजन इसको अनाउंस किया था। फिलहाल में इसमें मेरे पास 183 प्री यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं। आप लोगों के पास भी हो गए तो अच्छा है। आप इसमें 1000 जैसे ही प्री हो जाते हैं आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा एयर ड्रॉप टाइप की ही चीज़ है, इसमें आप सर्च करते करते पैसे कमा सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों, हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कुछ यहाँ पर एयर ड्रॉप्स आप लोगों के लिए लाए थे, जिसके अंदर दोस्तों सबसे पहला है EOSGAS का। तो इसके अंदर आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, जहाँ पे आपको EOSGAS के कुछ टोकन यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इजी है। आपको ज्वाइन एयर ड्रॉप पे जाना है और इस फॉर्म को यहाँ पे भरना है और ये कुछ शर्तों को यहाँ पे मंजूर करना है। दूसरा जो एयर ड्रॉप है दोस्तों वो है यहाँ पे UBEX टोकन का। UBEX में भी आपको कुछ अच्छे टोकन यहाँ पे मिलने जाएंगे। आपको सिर्फ इस साइड में यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और आने के बाद दोस्तों हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अभी मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम और बचा है। आप यहाँ आके अपना मेल आईडी डालें और गेट 2000 UBEX टोकन आपको मिल जाएंगे। पर इसके अंदर आपको KYC करना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा KYC करना इंपॉर्टेंट है। अगला जो दोस्तों एयर ड्रॉप है हमारे पास वो है डेट का। और डेट का भी आप लोगों को पता होगा ऑन्टोलॉजी कॉइन का एयर ड्रॉप हुआ था, 1000 ऑन्टोलॉजीज आए थे। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे डेट कॉइन्स आए हुए हैं और आप इनको भी कलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे कॉइन्स हो सकता है प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोगों को रिटर्न दे जाए। फिलहाल मैं यहाँ पे ओपन नहीं, तो मैं आपको अपने डैशबोर्ड पे दिखा देता। बाकी जैसे आप इस डेट कॉइन के अंदर आप साइन अप करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 कॉइन देखने को मिलेंगे और उसके बाद आपको ये सारे रिफर करने होंगे ताकि आपको और एडिशनल कॉइन यहाँ पे देखने को मिल सके। इन्होंने भी यहाँ पे कोई यहाँ पे ICO नहीं करा है, सीधे से ये लोग काम कर रहे हैं और सारी चीज़ों को कर रहे हैं जैसे कि ऑन्टोलॉजी ने करा था और यहाँ पे ऑन्टोलॉजी न्यूज़ के पार्टनर्स हैं। तो ये 3 जो एयर ड्रॉप्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और जो दोस्तों हमारा एक लास्ट है वो है यहाँ पर एक गेमिंग से रिलेटेड एयर ड्रॉप जो कि है वार फील्ड से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कुछ टोकन्स आपको मिलेंगे जिससे कि आप गेम खेल सकते हैं, दूसरों को किल करने पर आपको टोकन मिलेंगे और अगर आप इस गेम के अंदर किल हो जाते हैं तो आपके जो टोकन है वो माइनस होंगे। आप यहाँ पे किसी भी उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं ज्वाइन एयर ड्रॉप के अंदर जाकर। तो दोस्तों ये तो मैं तो भाई एयर ड्रॉप्स की कि हम लोग एयर ड्रॉप्स को किस तरह से क्लेम करेंगे, क्या सारी चीज़ें प्रोसेस करेंगे। लेकिन अब जब ये टोकन हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ERC20 वॉलेट देते हैं जो कि होता है myetherium वॉलेट का, तो अगर आपका अभी तक वॉलेट नहीं है तो आप उस पर आकर साइन अप कर लीजिए। तो वहाँ से हम लोग किस तरीके से विड्रॉल लेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग अपनी साइट पर जाएंगे myetherwallet की। यहाँ पर हम लोग इसकी साइट पर चलते हैं। यहाँ पे साइट के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ का जो ध्यान रखना है वो रखना है कि यहाँ पे एक ताला होना चाहिए और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आना चाहिए और उसके बाद ही आपके यहाँ पे लिंक आनी चाहिए। अगर आप किसी दूसरे लिंक पे फॉरवर्ड हो जाते हैं तो उस पर बिल्कुल भी ना हो, वो यहाँ पे फेक हो सकती है। इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। कट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएगा क्रिएट। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी अकाउंट है तो आप आ जाइए सेंड इथेरियम टोकन के टैब में। यहाँ पे दोस्तों जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको एक की स्टोन और एक प्राइवेट की मिलेगी। आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे की स्टोन से करता हूँ। यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे फाइल को। यहाँ से मैं इसकी फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे डालना होगा पासवर्ड, जो कि मेरा पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है और मैं इसको करूँगा ऐसे अनलॉक। तो जैसे दोस्तों आप इसको अनलॉक ऐसे कर देंगे आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास अभी 0 इथेरियम है, जैसे कि अगर आपने नया वॉलेट यहाँ पे क्रिएट करा है। मेरा वॉलेट भी नया है, 15-20 दिन हुए होंगे उसको बनाए हुए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ट्रांजेक्शन मिलते हैं, एक मिलता है इथर स्कैन का और एक मिलता है एक्सप्लोर का। तो हम लोग को जाना है टोकन वाले के ऊपर।
इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी कॉइन्स आपने यहाँ पे अभी तक जीते हैं एयरड्रॉप्स के अंदर या आपने क्लेम करें वो आपके कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ट्रॉनिक्स करके कॉइन है जो कि ट्रॉन है और ये मुझे 2 टोकन मिले थे एयरड्रॉप में और बाकी कुछ टोकन्स भी हैं जो अभी एयरड्रॉप हो रहे हैं धीरे धीरे और मेरे पास आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, वापस आपको myetherwallet के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप जैसे थोड़ा सा इससे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको मिलेगा टोकन बैलेंस का टैब, इसमें आपको करना है ऐड कस्टम टोकन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 यहाँ पे बॉक्स आ जाएंगे जो अलग अलग आपसे कुछ आउटपुट इनपुट मांगेंगे। तो आपको यहाँ पर वापस जाना है, इस वाले टैब को आपको क्लोज नहीं करना है। आपको जो ट्रॉनिक्स जो भी आपका कॉइन होता है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक और नया विंडो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर डालना है कॉन्टैक्ट एड्रेस, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस वाले कॉन्टैक्ट एड्रेस को यहाँ पर हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट एड्रेस आ चुका है। अब हमें डालना है दोस्तों यहाँ पर टोकन का सिम्बॉल, तो हम फिर से जाएंगे इस टैब में, टोकन का सिम्बॉल है TRX, हम इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी, इसको करेंगे यहाँ पर जाके पेस्ट। लास्ट में दोस्तों हमको डालना है डेसिमल्स, तो डेसिमल आपको देखना है, तो ये जो है ये 6 डेसिमल के ऊपर वर्क कर रहा है तो आपको यहाँ पे 6 टाइप कर देना है या फिर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इतनी डिटेल्स भरने के बाद आपको उसको कर देना है दोस्तों यहाँ से सेव। तो यहाँ पे बता रहा है कि पहले से मेरे पास है और लोड करा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमने इसको कर दिया। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा शो ऑल टोकन्स के ऊपर, यहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं आपके पास जो भी टोकन्स होते हैं वो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे सारे लिस्ट हो जाएंगे। यहाँ पे जितने भी टोकन्स आते हैं, जितने भी लिस्ट होते हैं, वो सारे के सारे टोकन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद फिर से मुझे यहाँ पर इसकी प्राइवेट कीज़ और इनको देना पड़ेगा। मैं पासवर्ड फिर से यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और इसको अनलॉक कर लेते हैं। ओके, अनलॉक करने के बाद हम जाएंगे फिर से शो ऑल टोकन्स के ऊपर और यहाँ पर हम देखते हैं TRX टोकन को। तो यहाँ पे हमारे को TRX मिल गया है, हम करेंगे क्लिक टू लोड, यहाँ पे लोडिंग हो रही है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 2 TRX ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको बैलेंस इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ये एक इथेरियम का वॉलेट है और इथेरियम के बेस पर जो कॉइन्स आते हैं ERC-20 कॉइन्स वो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। अब अगर आपको ये चीज़ सेंड करना है किसी को या किसी एक्सचेंज के ऊपर सेंड करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप किसी भी एक एक्सचेंज पे जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से बाइनेंस के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से फिलहाल मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप डिपोजिशन के टैब के ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल मैं लॉगिन नहीं करूँगा तो आपको दिखेगा नहीं, तो यहाँ से आपको डिपोजिशन के टैब पर जाना है, वहाँ से आपको आपका एक प्राइवेट जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बाइनेंस डिपॉजिट, मैं इसको लिख के इसकी एक इमेज सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। हम इमेज क्लियर होने का ओके। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं फंड के ऊपर जाना होगा आप जब लॉगिन हो जाते हैं बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज के अंदर जहाँ पे कि वो टोकन आपके एक्सेप्ट होते हैं। आपको डिपॉजिशन विड्रॉल पे जाना है, आपको जो भी टोकन है वो सिलेक्ट करना है और उनका यहाँ पे एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और डिपॉजिशन के टैब पे क्लिक करके आपको करना है। यहाँ करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, मैं इस टैब को बंद करता हूँ, यहाँ पर आपका वो एड्रेस डालना है, एड्रेस ऑफ टोकन, यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जो कि आप टोकन को विड्रॉल करने के लिए लेना चाहते हैं जिस भी एक्सचेंज का है। उसके बाद यहाँ पे आपको अमाउंट सेट करना है, जैसे कि मेरे पास 2 ट्रॉन थे तो मैं यहाँ पे 2 अमाउंट सेंड करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इथेरियम की जगह आप जैसे ही जो भी कॉइन यहाँ पे ऐड करेंगे उसकी ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, मैं वैसे TRX सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा कॉइन अब सेलेक्ट हो चुका है और इसके बाद आपको गैस लिमिट को छेड़ना नहीं है, जो है उसको एज इट इज़ रहने दे और जनरेट ट्रांजेक्शन आपको कर देना है। जनरेट ट्रांजेक्शन करने के बाद दोस्तों क्या होगा, आपके पास एक और विंडो खुलेगी, वहाँ पे आपसे पूछेगा क्या आप इस आईडी से इस आईडी पे भेजना चाहते हैं, आपको उसके नीचे करना है यस और आपके जो टोकन होंगे वो फ्यू मिनट्स फ्यू ओवर जो भी उस ब्लॉकचेन की जो टाइमिंग होती है उसके अकॉर्डिंग आपके एक्सचेंज पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप जो भी एयरड्रॉप्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके आपके जो टोकन मिलते हैं अब आप उनको सेंड करना है पे जान गए होंगे और अगर आपको टोकन रिसीव करना है तो आपके पास ऑलरेडी इथेरियम का वहाँ ऊपर एड्रेस दिया हुआ था, उसके ऊपर इथेरियम यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप सभी लोगों को कुछ एयरड्रॉप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस पर आकर साइनअप कर लीजिए, जिससे आपको भी कुछ रिफर बोनस मिल जाएगा और मुझे भी आपको कुछ रिफर बोनस यहाँ पे मिल जाएगा और
आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक पर्टिकुलर एक जो भी होता है उसको एकदम प्रॉपरली सेल करके एक्सचेंज पे कैसे बेचूंगा वो उसकी वीडियो फ्यूचर में आने वाले कुछ एयर ड्रॉप्स में आपको बना के बता सकता हूँ। बाकी अगर आप वार फील्ड खेलना चाहें तो आप वहाँ पे जाकर पहले टोकन कलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप मुझे मेरे मेल आई डी पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं अगर आप में से कोई वार फील्ड मेरे साथ यहाँ पे खेलना चाहता है और हम देखते हैं हम कितने टोकन वहाँ पे जीत पाते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, तो अगर ये वीडियो आ गई पसंद तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं आए तो करते हैं डिसलाइक। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो खूब सारे आप लोगों के लिए यहाँ पे आते रहेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और स्विट को नहीं ज्वाइन करा तो उसके भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, एयर ड्रॉप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप सभी के प्रॉफिट के लिए यहाँ पे लेके आते रहता हूँ, और अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है तो उनको भी यहाँ पे जरूर देख लीजिए। तो बस दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।